और वेयर का प्रयोग। बहुत सरल है, इसका अर्थ आपको अगर पता है, व्हेन जब वाक्य के प्रारंभ में आता है, किसी भी वाक्य के प्रारंभ में जब आता है तो इसका अर्थ होता है तब, है ना। ज्यादातर हम इनसे प्रश्न बनाते हैं, ये प्रश्न वाले शब्द हैं, तो व्हेन का अर्थ होता है कब, लेकिन अगर ये दो वाक्यों के बीच में आता है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब। वेयर का अर्थ क्या होता है, कहाँ, लेकिन अगर दोनों वाक्यों के बीच में आएगा तो जब। अब देखिए, यू मे गो, यू मे, तुम जा सकते हो जहां चाहो कि जब चाहो, क्या आएगा, जहां चाहो, बोलो जहां, क्या आएगा, जहां, जहां के लिए क्या आएगा, आई मेट माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, द ट्रेन अराइव, ट्रेन आई, कब मिला, जब। ये समय से संबंधित है ना, मतलब ये जो वेयर है ये क्या बताता है, स्थान, और वेन क्या बताएगा, समय। तो आई मेट माय फ्रेंड कब मिला, जब ट्रेन है, तो जब के लिए आई नो, मैं जानता हूं, He has gone. वह गया है. Where? मैं जानता हूँ. मतलब वो कहाँ गया है या वो जहाँ गया है. ठीक है. तो बस आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए. आप देखिए कि अगर समय से संबंधित है तो क्या लिखेंगे? Where? और अगर स्थान से संबंधित है तो क्या लिखोगे? Where?